हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। तो जो हम लोगों ने अपनी बेसिक क्लास की सीरीज शुरू की थी, ठीक है, उसका आज अगला लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें अगर हमें पता हों और क्या क्या चीज़ें अगर हम जानते हों, हमें उनके बारे में जानकारी हो, तो केमिस्ट्री सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे बहुत सारे बच्चों को समस्या ये है कि सर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट ही नहीं आता। तो इंटरेस्ट ना आने का सिंपल सी रीज़न है, आपको बेसिक चीज़ें पता नहीं है। और जब बेसिक चीज़ें पता नहीं है तो जब आप आगे की चीज़ें पढ़ते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि चीज़ें हो कैसी रही हैं, तो वहीं पे सारी समस्या होती है। तो सबसे पहले कहानी तो ये समझनी ज़रूरी है कि भाई केमिस्ट्री का बेसिक्स क्या है, ठीक है। जिनको केमिस्ट्री नहीं भी आती है, अगर वो भी इस लेक्चर को देखेंगे तो एकदम गारंटी के साथ आप केमिस्ट्री सीखना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं, जो चीज़ें आपको जानते रहना एकदम कंपलसरी है, एकदम ज़रूरी है। अगर वो चीज़ें आपको पता हैं तो आप धीरे धीरे चीज़ों को करके सीखना शुरू कर देंगे, ठीक। तो आज के लेक्चर में हम पहले उन टॉपिक्स की बात कर लेते हैं जिनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हमें बेसिक पता होना चाहिए ना कि भाई ये जैसे द्रव्य है ना, जैसे हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री है क्या? पदार्थों का अध्ययन। केमिस्ट्री क्या है? पदार्थों का अध्ययन, पदार्थों के गुणों का अध्ययन, पदार्थों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन, पदार्थ किससे बने हैं इसका अध्ययन, यही तो केमिस्ट्री है। तो जैसे हमारे जो पदार्थ हैं, जो द्रव्य हैं, उनके बारे में हमें जानना जरूरी है कि भाई पदार्थ, जैसे आपको पता है कि मुख्यतः हम बात करें तत्व तो होते हैं, है ना, और फिर यौगिक होते हैं, मिश्रण होते हैं। तत्व हो गए, यौगिक हो गए, मिश्रण हो गए, तत्वों में ही परमाणु अणु हो गए, है ना। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी बहुत ही जरूरी है। इनमें बेसिक अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ठीक। तो हमें बेसिकली तत्वों के बारे में पता होना चाहिए, तत्वों के बारे में पता होना चाहिए पहला चीज। दूसरा, यौगिक के बारे में पता होना चाहिए, ये होते क्या है ना। तीसरा, अगर हम बात करें तो तत्वों के बारे में जानने के लिए हमें किस चीज की जानकारी होनी चाहिए? आवर्त सारणी। तो भाई हमें आवर्त सारणी की जानकारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम आवर्त सारणी के बारे में जानते हैं तो हम सारी चीज़ें आसानी से सीख सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। आवर्त सारणी के अलावा, आवर्त सारणी से हम तत्वों को सीख जाएंगे, और उनके अलावा हमको उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ऐसी चीज़ है जो केमिस्ट्री में हर जगह काम आएगी आपको, ठीक है, चाहे ऑर्गेनिक करो चाहे इनऑर्गेनिक करो, है ना, और कहीं कहीं फिजिकल में भी हेल्प आपकी कर देगी कुछ जगह पर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको जो पता होना चाहिए, तत्व हो गए, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए, उनकी संयोजकता के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ऑक्सीकरण संख्या के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना, ये क्या होता है, ठीक। इसके अलावा आप जो है, आपको बंधों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बंधों की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको जो है, हम कहें अणुओं की संरचना की जानकारी होनी चाहिए, अणुओं की संरचना, ठीक है, और संरचना की जानकारी आपको संकरण की सहायता से हो जाएगी, तो वो तो हम सिखाएंगे ही, ये आनी चाहिए, ठीक है। इतनी चीज़ें जो है ये तो मस्ट है। इसके अलावा ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री को सीखने के लिए आपको मोल आना चाहिए, क्या आना चाहिए? मोल आना चाहिए, मोल अवधारणा आना चाहिए, मोल की बेसिक्स आने चाहिए, और ऑर्गेनिक स्वरूप जानने के लिए बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके लिए वैसे हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे कि ऑर्गेनिक को कैसे सीखें, ऑर्गेनिक शुरू कैसे की जाए, ठीक है। इसके लिए एक हम अलग से लेक्चर लेकर आएंगे कि ऑर्गेनिक की शुरुआत कैसे की जाए उसके बारे में। और इसके अलावा हम बात करें तो यौगिकों का सूत्र या सूत्र निर्माण करना सीखेंगे, आयनिक यौगिकों का सूत्र निर्माण करना सीखेंगे। बस ये वो बेसिक पॉइंट है जिनको अगर आप जानते हो, ठीक है। इसके अलावा तत्व है तो उसका परमाणु भार पता होना चाहिए, परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, है ना, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ये वो बेसिक पॉइंट है जो अगर आप जानते हो तो आपको केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में जब हम न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो वहाँ पे सारा जो झोल होता है वो किस वजह से होता है? मात्रकों की वजह से।
कि मात्रक, एक मात्रक दूसरे मात्रक में कैसे परिवर्तित। जैसे मान लो दो गैसों का दाब दिया हुआ है, एक गैस का दाब दिया है MMHg में, दूसरी गैस का दाब दिया है किसमें, ATM में। तो अब दोनों जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सभी जितने भी टर्म हैं सबका मात्रक सेम होना चाहिए। अब एक जगह दाब को हम MM में रख रहे हैं, एक जगह दाब को ATM में रख रहे हैं, तो आंसर गलत आएगा। एक जगह जो है हम ताप के लिए डिग्री रख दे रहे हैं, दूसरी जगह हम केल्विन रख दे रहे हैं, आंसर हमेशा गलत आएगा, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, एक जगह ऊर्जा को लिए जूल में दर्शा रहे हैं, एक जगह ऊर्जा को अर्ग में दर्शा दे रहे हैं, तो ये आंसर हमेशा गलत होगा। तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो मात्रकों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो सारे टर्म्स दिए गए हैं क्या एक ही पद्धति में दिए गए हैं। मान लो एक पदार्थ का मात्रक SI पद्धति में दिया है, दूसरे पदार्थ का मात्रक CGS में दिया है। अब आपने उन सभी को एक ही फॉर्मूले में रख दिया, अब एक SI में था एक CGS में था, रख के सॉल्व करोगे आंसर गलत आना ही आना है। तो मतलब क्या करना होगा कि अगर कोई मात्रक CGS में दिया हो तो उसको SI में परिवर्तित करना हो, या फिर SI वाले को CGS में परिवर्तित कर लो। मतलब जितने भी मात्रक हैं उन सभी को सेम पद्धति में होना जरूरी होता है। तो इसके लिए आपको और भी क्या जानना जरूरी है, मात्रकों का अंतरा परिवर्तन, ये आप करोगे तो इसकी सहायता से आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी। मात्रकों का अंतरा परिवर्तन भी सीखना बहुत जरूरी है। तो ये वो बेसिक पॉइंट है जिनको अगर आप जान लो, जो आप समझ जाओ, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होनी तो सीखने में, ठीक है। तो हम लोग अपने आगे के जो लेक्चर्स हैं, अभी जो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है, ठीक है, 12th का मेन कोर्स शुरू होने से पहले हम लोग बेसिक्स पे बात कर रहे हैं ना, ताकि जिन बच्चों ने केमिस्ट्री अगर 11th में नहीं पढ़ी है या पढ़ी भी है तो उतने अच्छे से नहीं पढ़ी है कि सारे बेसिक्स क्लियर हों, तो हम उन बेसिक्स को पहले क्लियर करेंगे फिर अपना मेन शुरू करेंगे, ताकि आपको कोर्स के दौरान कोई भी दिक्कत ना आए कि सर ये वाली चीज़, छोटी सी छोटी चीज़ ये तो हमें पता ही नहीं, ये कैसे होता है सर हमें पता ही नहीं। तो इसलिए उन चीज़ों को हम क्या करेंगे, पहले सीख लेंगे फिर आगे अपना शुरू करेंगे। तो आज हम बेसिक्स अगर हम बात कर लें तो आज हम बात करते हैं केमिस्ट्री की बेसिक्स ही बात कर लेते हैं, ठीक है। एक आपको मोटा मोटा आइडिया दे देते हैं, ठीक। जैसे हमने कहा केमिस्ट्री ना, केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ मैटर है, द्रव्य का अध्ययन है। तो द्रव्य जो है, द्रव्य में हम क्या पढ़ते हैं, पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, है ना। द्रव्य और पदार्थ तो दोनों एक ही चीजें हैं या अलग हैं, तो सभी पदार्थ द्रव्य हैं लेकिन सभी द्रव्य पदार्थ नहीं हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं जिनको हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, ये सारी द्रव्य महसूस कर पा रहे हैं, जैसे हवा, वो सारा क्या है, द्रव्य। जिनका हम भार माप पा रहे हैं वो द्रव्य है ना, जो कुछ स्थान घेरता है वो द्रव्य है, ये बात आपको पता है। और केमिस्ट्री क्या है, अगर हम यहीं से बात करें, केमिस्ट्री है क्या, है ना। तो केमिस्ट्री जो है वो द्रव्य का संगठन, मतलब द्रव्य किनसे मिलकर बना है, द्रव्य के गुण, द्रव्य में होने वाले परिवर्तन आदि का ही क्या है, अध्ययन है ना। तो द्रव्य के बारे में, ये पदार्थ के बारे में अध्ययन करना ही केमिस्ट्री है, आसपास की चीजों का अध्ययन करना ही केमिस्ट्री। तो अब जब द्रव्य की बात आती है तो द्रव्य के बारे में आपको पता है कि वह सभी पदार्थ या वह सभी वस्तुएं जो स्थान घेरे हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है, उन्हीं को हम द्रव्य कहते हैं, ये भी पता है। फिर द्रव्य जो होता है, जैसा कि हमने कहा, द्रव्य नहीं पढ़ना है बल्कि पढ़ना क्या है, पदार्थ। तो अब द्रव्य और पदार्थ में अंतर क्या होता है, मैटर और सब्सटेंस में अंतर क्या होता है, बहुत बेसिक सी बात है। तो भाई हमने कहा ना, जो स्थान घेरे द्रव्यमान है वो सब द्रव्य हैं, लेकिन क्या हम सभी द्रव्य का अध्ययन करते हैं क्या, हमें जो भी चीज़ दिख जाती है हम उसका अध्ययन करने लगते हैं क्या, ऐसा नहीं है। हम सभी चीज़ों का अध्ययन नहीं करते हैं, हम केवल उन्हीं चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जिनमें कुछ विशेष गुण होते हैं, जिनमें कुछ विशेष प्रकार के गुण होते हैं। तो द्रव्य और पदार्थ में बस यही डिफरेंस है कि पदार्थ ऐसे द्रव्य को कहते हैं, ऐसे द्रव्य जिनके पास कुछ विशेष गुण हो, ऐसे द्रव्य जिनके पास कुछ विशेष गुण हो जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, वही हमारे पदार्थ होते हैं, वही हमारे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। फिर पदार्थ आपको पता है दो भागों में बांट दिए जाते हैं, एक आपके शुद्ध पदार्थ और एक आपके अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ आप बेसिकली जानते हो, शुद्ध कोई भी वस्तु शुद्ध कैसे होती है, जैसे आप बाजार से कुछ सामान खरीद के लाते हो, कहते हो ये सामान प्योर है, ये शुद्ध है और इसमें मिलावट है, तो
तो शुद्ध और मिलावटी का मतलब क्या है? शुद्ध का मतलब जब, जैसे मान लो हम दूध लेके आए, ठीक है, अब दूध में केवल दूध ही है, ठीक, तो वो क्या है, केवल आपका जो इंग्रेडिएंट है दूध का वही है उसमें, तो वो शुद्ध है। लेकिन अगर दूध में मान लो किसी ने यूरिया पाउडर मिला दिया उसको गाढ़ा बनाने के लिए, तो दूध के साथ कोई दूसरा पदार्थ भी मिल गया है, या उसमें कोई पानी मिला दिया, ठीक है, तो पानी मिला दिया तो उसमें भी क्या हो गया, वो मिलावट हो गई ना, तो वो शुद्ध नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम सोना खरीदें, तो सोना खरीद के लाए, अब उसमें केवल गोल्ड AU के ही परमाणु हैं सारे के सारे, तो वो शुद्ध है। लेकिन मान लो सोने में कोई लोहा मिला के हमको दे दिया, मान लो हम 20 ग्राम सोना खरीदे, 20 ग्राम सोने में हमारा 15 ग्राम सोना है, 5 ग्राम लोहा है, तो ये तो नुकसान हो गया ना, मिलावट करके दे दिया। तो क्या कहानी है कि भाई जब कोई पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है तो वो शुद्ध होता है, और अगर उसमें एक से ज्यादा प्रकार के परमाणु आए, एक से ज्यादा प्रकार के तत्व आए, तो वो अशुद्ध हो जाता है। तो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना पदार्थ शुद्ध होता है, और एक से ज्यादा प्रकार के कण मिल जाएंगे तो अशुद्ध हो जाता है। शुद्ध में ही अगर हम बात करें तो तत्व भी है और मिश्रण भी है। तत्व की बात कर लो, तत्व भी आप जानते हो, ठीक है। तत्व क्या होते हैं? तत्व वे पदार्थ होते हैं जिनको और सरलतम भागों में बांटा नहीं जा सकता। ऐसे पदार्थ जिनको और सरलतम भागों में बांटा ना जा सके, ऐसे पदार्थ जिनको और सरलतम भागों में बांटा ना जा सके, वही तत्व है। जैसे सोना है, अब मान लो हम 1 kg गोल्ड ले आए, अब अगर हम इसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दें, तो क्या इसका ये जो छोटा वाला पार्ट है ये कुछ लोहा बन जाएगा क्या, चांदी बन जाएगा क्या? नहीं ना, रहेगा गोल्ड ही। तो मतलब सरलतम भाग, पदार्थ का सरलतम रूप, किसी पदार्थ का सरलतम रूप ही क्या है, तत्व। किसी भी पदार्थ का सरलतम रूप ही क्या होता है बेटा, तत्व होता है, ठीक है। तो किसी पदार्थ का सरलतम रूप, सरलतम रूप क्या होता है, तत्व होता है। मिश्रण क्या है, सॉरी मिश्रण क्या है, सॉरी 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 सॉरी, यौगिक, यहाँ यौगिक, सॉरी गलती से मिस्टेक यहाँ आएगा, ये मिश्रण है यौगिक, ठीक है, ये क्या है, यौगिक, ठीक है, उसको ध्यान दीजिएगा, ये क्या बेटा, यौगिक है, वो गलती से लिख गया इधर, ये यौगिक, ये मिश्रण। तो यौगिक क्या है, जब दो या दो से ज्यादा तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़ जाते हैं, एक निश्चित अनुपात में, जैसे हमने दो हाइड्रोजन के परमाणु एक ऑक्सीजन के परमाणु ले लिए, तो ये बन गया यौगिक। तो दो या दो से ज्यादा परमाणु जब एक निश्चित अनुपात में मिल जाए, जैसे दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलेगा तभी H2O बनेगा, तो ये यौगिक है। एक कार्बन दो ऑक्सीजन मिलेंगे तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये यौगिक है। दो हाइड्रोजन एक सल्फर चार ऑक्सीजन मिलेंगे तभी सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा, ये यौगिक है। तो जब दो या दो से ज्यादा परमाणु एक निश्चित अनुपात में, दो या दो से ज्यादा तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं तो बनता है यौगिक। और मिश्रण क्या होता है, जब पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए, पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए, अनुपात में मिला दिया जाए, पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो क्या बनता है बेटा, तो आपका बनता है मिश्रण, ठीक है। तो तत्व किसी पदार्थ का सरलतम रूप होता है तत्व, यौगिक दो या दो से ज्यादा तत्वों के परमाणु जब निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो बनता है यौगिक, और मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दो तो बन जाएगा यौगिक, सॉरी मिश्रण, तो क्या बन जाएगा, मिश्रण। जैसे आपको पता है पानी है, पानी में चीनी डाले, नमक डाले, अब शरबत बनाने के लिए कोई निश्चित संगठन होता है क्या कि भैया शरबत एक चम्मच चीनी डालोगे एक चम्मच नमक डालोगे तभी अच्छा शरबत बनेगा, ऐसा तो है नहीं, जिसका जैसा स्वाद हो वैसा पिएगा, कोई 2 चम्मच चीनी डाल के पिएगा, कोई 3 चम्मच चीनी डाल के पिएगा। तो मतलब मिश्रण जो होता है उसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, किसी भी अनुपात में मिला दो तो जो बना वो मिश्रण है, और जब पदार्थों को या तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाओगे तो निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो बनेगा वो आपका यौगिक है, ठीक है। अब बात आती तत्व की बात करें तो तत्व को भी बेसिकली हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं, कौन से, धातु, अधातु और उपधातु। तो धातु, अधातु, उपधातु की बात करें तो बेसिक डिफिनेशन आप जानते हो, ऐसा कोई भी तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने का गुण रखता है वो सामान्यतः धातुएं होती हैं। ऐसा कोई भी तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने का गुण रखता है वो सामान्यतः क्या होती है, अधातु होती है, सामान्यतः वो अधातु होती है। और जिनके पास दोनों का गुण पाया जाता है उन्हें हम सामान्यतः क्या बोलते हैं, उपधातु कहते हैं, है ना। तो पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा धातुएं हैं, लगभग 17, हाँ गिनेंगे अगर आप,
तो एक अगर हम यहाँ बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना, ये सब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस है ना। तो लगभग हम बात करें तो लगभग 17-17 हमारे करीब अधातुएं होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा लगभग 7 से 8 उपधातु होती है पूरे 118 तत्वों में, और उनके अलावा जितनी बचती हैं सारी की सारी धातुएं होती हैं। और धातुओं के बारे में बेसिक बातें आपको पता है, धातुएं जो विशेष चमक होती है, इनको पीटने पर इनमें ध्वनि उत्पन्न होती है, इनको पीट कर क्या कर सकते हैं, इनकी चादरें बनाई जा सकती हैं, इनके खींच कर इनकी तारें बनाई जा सकती हैं। अधातुओं की बात करें तो इनमें कोई विशेष ध्वनि नहीं होती है, ये भंगुर होती हैं, इनको पीटने पर ये चूर हो जाएंगी, इनमें कोई विशेष चमक नहीं होती है। और उपधातु जिनके पास दोनों के गुण होते हैं वो उपधातु है। तो ये तत्व के बारे में बेसिक सी बात है जो आप जानते हो, है ना। इसके अलावा जैसा कि हमने बात किया तत्व की बातें तो हो गई, फिर यौगिक भी जो हमें पढ़ने हैं ना उनकी बातें कर लेते हैं। तो अगर हम स्रोत के आधार पर बात करें तो यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक। आपको पहले लेक्चर में हमने रसायन बताया था ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताया था ना, तो उसी समझ लीजिए ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ही हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और दूसरा होता है कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इतनी बात है सभी को पता है, किस किस को ये बात पहले से पता थी वही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, और जिसको नहीं पता थी वो अभी जान लो, जिसको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा, ठीक है। तो अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिकों की अगर हम बात करें तो बेसिक बात करते हैं, ऐसे सभी यौगिक जो जीवों से प्राप्त हो, किससे प्राप्त होते बेटा, जीवों से प्राप्त होते हैं। ऐसे सभी यौगिक जो जीवों से प्राप्त होते हैं, जीव मतलब जिनमें क्या होता है जीवन होता है, जैसे हम लोग जीव हैं है ना, जीवित हैं हम लोग, जैसे पौधे हैं साइंस के अकॉर्डिंग पौधे जीवित होते हैं, जैसे अन्य जानवर हैं। तो जानवरों से और पौधों से जो प्राप्त होने वाले यौगिक हैं उन्हीं को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं, और जीवित पदार्थों को छोड़कर अन्य सभी स्रोतों से प्राप्त यौगिक क्या होते हैं, अकार्बनिक यौगिक। जैसे मान लो समुद्र में कुछ मिला, चट्टानों में कुछ मिला है ना, चट्टान से कुछ मिला, धरती के नीचे कुछ मिला, भूगर्भ से कुछ मिला है ना, भूपरपटी में कुछ मिला, तो ये सारे क्या हैं, ये अन्य स्रोत हो गए है ना, तो ये अकार्बनिक हो गए। और जो जीवों से प्राप्त हो, जैसे हमारे अंदर एंजाइम है, प्रोटीन है ना, विटामिन हम लोग लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक। तो जैसे हमारे अंदर जो यौगिक हैं, जैसे एंजाइम, हार्मोन्स है, ये कार्बनिक यौगिक ही तो होते हैं। तो ये क्या है, जीवों में उपस्थित है तो ये आपके कार्बनिक है। जैसे पौधे में सेलुलोस पाया जाता है, तो सेलुलोस जीवित पदार्थ से मिल रहा है ना, तो वो भी कार्बनिक यौगिक है। तो जो भी जीवित पदार्थों से मिलते हैं वही कार्बनिक यौगिक होते हैं, और जीवित पदार्थों के अलावा अन्य सभी स्रोतों से मिलने वाले यौगिक अकार्बनिक होते हैं। ये बेसिक सी बात है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर जैसे हमने बताया, पदार्थ जो है, पदार्थ की अवस्थाओं की जानकारी बहुत जरूरी है, पदार्थ की अवस्थाओं की जानकारी बहुत जरूरी है। तो पदार्थ की जो मुख्य अवस्थाएं हैं वो तीन होती हैं, जैसा कि आप जानते हो, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठोस, द्रव, गैस की बात करें तो बेसिक अगर बात करें इनके आयतन की, थोड़ा ठोस, द्रव, गैस में अगर बात करेंगे आप, तो आयतन इसका क्या होता है, निश्चित। द्रव का आयतन द्रव का आयतन निश्चित होता है, मतलब उस पात्र के बराबर होता है जिसमें यह रखा जाता है, आयतन निश्चित है और आकार उस पात्र के समान होता है जिसमें यह रखा जाता है, और गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं है, इसको जिस पात्र में रखा जाएगा उसी का आयतन गैस का आयतन बन जाएगा। आकार इसका निश्चित है और इन दोनों का अनिश्चित होता है,
द्रव का हम कह सकते हैं एक तरह से निश्चित ही है, जिस बर्तन में रखा जाएगा उसका आकार द्रव का आकार। फिर अगर हम बात करें संपीड्यता की, तो कम होता है, कम है बहुत अधिक है, संपीड्यता समझते हो ना, दबाने का गुण। बलून में गुब्बारा भर के दबा दो, गैस संपीड होती है, ठोसों में संपीड्यता का गुण कम पाया जाता है, गैसों में और भी कम होता है। विसरण बहुत कम, विसरण मतलब फैलने का गुण बहुत कम, इसका कम होता है, इसका तो बहुत अधिक होता है, विसरण समझते ना, फैलने का गुण। जैसे गैस है, परफ्यूम ले लो, परफ्यूम को भी स्प्रे करोगे 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, पूरे कमरे में उसकी महक फैल जाती है, तो परफ्यूम से गैस ही तो निकली, पूरे कमरे में फैल गई, तो बहुत तेजी से फैल गई, कुछ सेकंड में ही फैल गई। पानी है, पानी को जमीन पे क्या कर दो, गिरा दो, तो क्या करेगा, बहेगा धीरे धीरे करके, बहता जाएगा, विसरित होता जाएगा, लेकिन उसके गैस की तुलना में उसके बहने की दर कम है। ठोस है, जैसे पानी में एक रंगीन चौक डाल दो, तो पानी तुरंत क्या, मान लो लाल रंग की चौक डाली, क्या तुरंत पानी लाल हो जाता है, नहीं, आप कुछ समय बाद देखोगे तो पानी का रंग धीरे धीरे लाल हुआ, क्यों, क्योंकि चौक ठोस है और उस ठोस के कण धीरे धीरे करके पूरे पानी में फैल रहे हैं, तो कुछ समय बाद पानी का रंग लाल हो जाएगा। तो ठोस विसरित होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, द्रव भी विसरित होते हैं कम, और गैस तो बहुत तेजी से क्या हो जाते हैं, विसरित होते हैं। तो इसीलिए इनमें हम क्या बोलते हैं भाई, तरल होते हैं ना, बहने का गुण पाए जाने के कारण द्रव और गैस इन दोनों को क्या बोला जाता है, तरल बोला जाता है भाई, तरल हमारे हैं ना, तरल फ्लूड, जिनमें बहने का गुण पाया जाता है वो फ्लूड है, तो द्रव और गैस हमारे क्या होते हैं, तरल होते हैं। और पदार्थ की सामान्य अवस्था में अगर हम तरलता का क्रम बात करें, तो सबसे अधिक तरलता गैस की है, फिर लिक्विड की है, फिर सॉलिड की है। ठीक, मतलब गैसों में तरलता का गुण बहुत अधिक पाया जाता है, वो बहुत तीव्र गति से बहेंगे, द्रव में कम होगा, ठोस में तो बहुत ही कम, लगभग ना के बराबर कह सकते हो। ठीक, तो ये तो वे अवस्थाएं हैं जो आप जानते हो। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में, इससे संबंधित इंटरेस्टिंग फैक्ट। हमारा जो पानी है ना, जल एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा पदार्थ है जो एक ही समय पर, जो एक ही समय पर ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में होता है, तीनों अवस्थाएं दर्शा सकता है। ठीक है, और जिस स्थिति में ऐसा होता है, स्थिति में ऐसा होता है, उसे ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, त्रिक बिंदु कहते हैं, त्रिक बिंदु कहते हैं। मतलब हमारा जो जल है बेटा, जल एक ही समय पर ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस तीनों अवस्थाओं में क्या हो सकता है, उपस्थित होता है, ठोस भी उपस्थित हो सकता है, द्रव अवस्था में भी हो सकता है और गैस अवस्था में भी हो सकता है। ठीक है, और इस पॉइंट को ही बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि पानी एक ऐसा पदार्थ है जो एक ही समय पर गैस भी है, ठोस भी है और द्रव भी है, तीनों हो सकता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इसका ट्रिपल पॉइंट, क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये कहानी हो गई इसके बारे में। बाकी अवस्थाओं की अगर हम बात करें, तो इनके अलावा दो और अवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन संघनित अवस्था, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन संघनित अवस्था। तो प्लाज्मा जो होती है पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था होती है, और ये सामान्यतः बड़े बड़े ग्रहों में, जो चमकदार ग्रह होते हैं, चमकदार बॉडी होती है, उनमें पाई जाती है, जैसे सूर्य में पाई जाएगी और तारों में पाई जाएगी, है ना, अवस्था होती है, ये कहाँ पाई जाती है, सूरज में पाई जाएगी, अन्य तारों में पाई जाएगी, सर हमें डेली लाइफ में कहीं देखने को मिल सकती है, बिल्कुल,
जो बल्ब होता है ना आपका येलो वाला, जब उसमें क्या होता है आप जलाते हो तो उसमें फिलामेंट की सहायता से बहुत उच्च ताप उत्पन्न होता है, तो उसमें जो उपस्थित गैस होती है ना वो आयनित होकर प्लाज्मा बनाती है। क्या बनाती है? प्लाज्मा बनाती है। तो बल्ब में पाई जाती है प्लाज्मा अवस्था, ठीक है। बोस आइंस्टीन, अब भाई पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था बनी, तो बोस साहब ने सोचा कि ऐसा भी तो हो सकता है, कोई पदार्थ ऐसा भी तो हो सकता है जो सबसे ठंडी अवस्था में हो, तो उसी अवस्था को बोला गया बोस आइंस्टीन संघनित अवस्था। तो पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था, पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था को क्या बोला गया? बोस आइंस्टीन संघनित अवस्था, ठीक है। इसके बारे में विचार किया था बोस ने, और फिर इन्होंने आइंस्टीन के सहयोग से इस अवस्था को प्राप्त किया। अच्छा, अकेले क्यों नहीं कर पाए? आइंस्टीन का सहयोग क्यों लिया? अकेले न कर पाने का बहुत सिंपल सा कारण है भाई, हमारे यहाँ जो है उतने अच्छे उपकरण नहीं है, उतने अच्छे टूल्स नहीं है, और उतनी अच्छी लैब भी नहीं थी उस समय, ठीक है। हमारे यहाँ उतनी अच्छी लैब भी नहीं थी, उतने अच्छे टूल्स वगैरह नहीं थे, तो इन्होंने उसके बारे में विचार तो किया, लेकिन क्योंकि इनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट था ही नहीं तो कैसे उस चीज़ को प्रूफ करते। तो फिर उन्होंने आइंस्टीन की हेल्प ली और उसकी सहायता से, उनकी सहायता से फिर इस चीज़ को इन्होंने प्राप्त किया, इस अवस्था को, ठीक है। तो ये तो इसकी पदार्थ की बेसिक बात हो गई, पदार्थ की सामान्य जानकारी हो गई, ठीक है, पदार्थों की सामान्य जानकारी हो गई। तो हमने आपको क्या बताया? हमने आपको ये बताया कि आप जो है जब इन सारी चीज़ों को बढ़िया से समझ जाओगे, अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो आपको केमिस्ट्री सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज की लेक्चर में जो है बातें केवल यही थी कि भाई आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर हम ढूंढते हैं यूट्यूब पर, हमको मिलता नहीं है कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो पढ़ लें तो हमारी केमिस्ट्री बढ़िया हो जाए। तो उन बच्चों के लिए आज का ये वीडियो था कि बेटा आप ये इतने जो टॉपिक्स हैं ना, इन टॉपिक्स को बेहतर कर लो, बहुत अच्छा कर लो, ठीक है, तो आप जो है केमिस्ट्री सीखना शुरू कर लोगे, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और ये चीज़ें आपको पता हैं तो आप जो है क्वेश्चंस को करना सीख जाओगे, मतलब आपको केमिस्ट्री सीखना शुरू कर लोगे। ये सूत्र निर्माण मतलब यौगिकों का सूत्र निर्माण है, आयनिक यौगिकों के लिए बेसिकली, ये किसके लिए है? आयनिक यौगिकों के लिए है। जैसे बहुत सारे इसमें भी बताते हैं कैसे, जैसे बच्चों में क्या है समस्या, ये है समस्या, क्या है समस्या, ये है कि हमने मान लिया है कि यौगिक लिया CaCl2। अब हमें बहुत सारे चैप्टर्स के फिजिकल केमिस्ट्री में मेनली हम देखेंगे तो डिसोसिएशन करना पड़ता है, विघटन करना पड़ता है, तो विघटन के दौरान हम यौगिकों को तोड़ देते हैं, हमने लिख दिया Ca2+, 2Cl-, तो आधे बच्चों को यही नहीं पता सर ये टूटा कैसे है, Ca पे 2+ क्यों आया, इस पे 2- क्यों आया। तो इसके लिए दो चीज़ें, एक तो संयोजकता आनी चाहिए, संयोजकता नहीं पता है तो उसको याद करना पड़ेगा, और बहुत सारे मूलक ऐसे हैं, जैसे मूलकों की अगर हम बात करें Al2SO4 का होल थ्राइस, अब अगर हम इसको तोड़ रहे हैं तो इसको तोड़ने में समस्या ये, हमने ये लिख दिया 2SO4 3 3SO4 2- लिख दिया, तब समस्या ये है कि सर इसके ऊपर 3+ आया, इसके प्लस 2- क्यों आया, है ना, और एल्यूमिनियम तो अकेला है, यहाँ सल्फर के साथ ऑक्सीजन चिपका हुआ, क्यों छोड़ के क्यों नहीं जा रहा। तो इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए हमें मूलकों के बारे में जानना पड़ेगा, जैसे सल्फेट मूलक हो गया, फॉस्फेट मूलक हो गया, नाइट्रेट मूलक हो गया, कार्बोनेट हो गया, सल्फाइड हो गया, है ना, सल्फाइट हो गया, सल्फाइट मूलक हो गया, तो इस तरह से बहुत सारे, है ना, डाइक्रोमेट मूलक हो गए, परमैंगनेट मूलक हो गए, तो मूलकों की भी जानकारी हमें होनी चाहिए कि कौन सा मूलक है। जैसे परमैंगनेट आएगा तो उसमें भी भैया ये कभी इसको छोड़ के नहीं जाएगा, -1 चार्ज होगा, कार्बोनेट आएगा तो कार्बन ऑक्सीजन हमेशा साथ में रहेंगे, 2- चार्ज रहेगा, तो ये मूलक हैं, मूलकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर इतनी चीज़ें हम सीख लेते हैं तो हमारी केमिस्ट्री जो है वो बड़ी आसान हो जाने वाली है। तो इन्हीं चीज़ों को सीखने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हीं चीज़ों को सीखने के लिए हम इन टॉपिक्स को आपको पढ़ाएंगे एक एक करके, ठीक है। तो अभी जो भी लेक्चर आगे आने वाले हैं उन लेक्चर्स में हम धीरे धीरे करके इन सारे टॉपिक्स को टच करेंगे, जैसे हो सकता है कल के लेक्चर में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में मात्रकों का अंतरा परिवर्तन और ये आयनिक यौगिकों सूत्र निर्माण, ये जैसे हमको एक सही सीरियल लगेगा वैसे हम आपको इन सारी चीज़ों को सिखाते जाएंगे। तो बस आप क्या करिए, जितनी भी क्लासेस ये बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की हैं आप खुद फॉलो करिए, अगर आपको लगता है कि आपको सारी चीज़ें पता हैं तो आप उन मित्रों के साथ, उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम होती है, जो केमिस्ट्री के नाम से भी दूर भागते हैं,
तो वो जब ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे तो केमिस्ट्री उनके लिए बहुत आसान हो जाएगी, और आसान हो जाएगी तो फिर पढ़ने का मज़ा ही अलग हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके आगे की कहानी एक एक करके सीखना शुरू करेंगे। तो आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। मान लीजिए अगर आपका 11th बर्बाद भी हो गया है, आपने 11th नहीं पढ़ा है, बर्बाद है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 12th आबाद रहेगा। अगर 11th बर्बाद है तो 12th आबाद रहेगा। उसके लिए ज़रूरी क्या है? उसके लिए ज़रूरी है ये बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की क्लासेस अच्छे से करना, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, और अगले क्लास में टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाए, ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।